नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा में आने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रश्न है राजस्थान की चित्रकला पर। यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान में चित्रकला का विकास अत्यंत ही प्राचीन समय से होता आ रहा है। राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागोर, नोह जैसे पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से मृद भांडों तथा मुद्राओं से चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में दर जो कि भरतपुर में है, आलनिया, दर्रा जो कि कोटा में है, बेराट जो कि जयपुर में है, से आदिमानव द्वारा बनाए गए चित्र भी प्राप्त हुए हैं। आदिमानव द्वारा जो चित्र बनाए गए इन्हें अकारक चित्र कहा जाता है। राजस्थान की चित्रकला का वास्तु विकास 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। राजस्थान की चित्रकला का इतिहास स्वर्णिम रहा है। राजस्थान में मेवाड़ चित्रकला के अंतर्गत उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, देवगढ़, मारवाड़ चित्रकला के अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ तथा ढूंढाड़ चित्रकला के अंतर्गत जयपुर, आमेर, अलवर, उनियारा व हाड़ोती चित्रकला के अंतर्गत कोटा, बूंदी की चित्रकलाओं का विकास हुआ। राजस्थान की चित्रकला में सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के भंडार से प्राप्त हुआ है, जिसे ओद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी के नाम से जाना जाता है। यह चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में चित्रित हुआ। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ मेवाड़ के महाराणा रावल तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से चित्रित हुआ। यह ग्रंथ 1260 ईस्वी का है। तिब्बती लेखक लामा तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी के अंतर्गत श्रृंगधर नाम के चित्रकार का उल्लेख किया है। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया। सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत अपभ्रंश शैली में मेवाड़ में हुई। राजस्थानी चित्रकला का पर सर्वाधिक प्रभाव अजंता शैली का पड़ा। राजस्थान में जब मुगलों का प्रभाव बढ़ने लगा तो उस समय मुगल चित्रकला शैली का भी प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम आमेर चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, परंतु राजस्थान की राजपूत शैली ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। छात्रों, इसी संदर्भ में सर्वप्रथम हम मेवाड़ चित्रकला शैली का अध्ययन करेंगे। हमारा पॉइंट है मेवाड़ चित्रकला शैली। मेवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, प्रतापगढ़, चावंड जैसी चित्रकला की उपशैलियों का विकास हुआ। मेवाड़ चित्रकला शैली राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्रकला शैली है। मेवाड़ चित्रकला शैली में सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कमल चंद्र नामक विद्वान ने महाराणा रावल तेज सिंह के समय 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से रचित किया। मेवाड़ चित्रकला शैली का दूसरा सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ 1423 ईस्वी में सुपासना चरितम अर्थात पार्श्वनाथ चरित्र महाराणा मोकल के समय रचित हुआ। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ी चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा। मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है। इस चित्रकला शैली में पंचतंत्र, गीत गोविंद, महाभारत, रामायण, पृथ्वीराज रासो, रसमंजरी, रागमाला जैसे ग्रंथों पर चित्रों को बनाया गया। राजस्थान की सबसे प्राचीन वे मूल चित्रकला शैली मेवाड़ चित्रकला शैली हैं। इस चित्रकला शैली में लाल पीले रंग का प्रयोग तथा कदम के वृक्ष वे हाथी को प्रधानता दी गई हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली में कलीला दमना नामक चित्र प्रमुख हैं। मेवाड़ी चित्रकला में पुरुषों की आकृति में गठीला शरीर, बड़ी आँखें, लंबी मूछें,
छोटा कद बताया गया है, जबकि स्त्रियों की आकृति वे वेशभूषा में मछली के समान आंखें, छोटा कद नीम के पत्तों के समान भौहें, गरुड़ जैसी नाक, पारदर्शी ओढ़नी, लहंगा पहने हुए दिखाई गई हैं। छात्रों, अब हमारा अगली चित्रकला शैली है बूंदी चित्रकला शैली। राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत बूंदी चित्रकला शैली का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल सुरजनहाड़ा का काल कहलाता है। इस चित्रकला शैली में लाल हरे रंगों को प्रधानता दी गई है। बूंदी चित्रकला शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मेवाड़ी चित्रकला शैली का पड़ा। इस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों के चित्र, विभिन्न प्रकार की ऋतुओं के चित्र, बारहमासा के चित्र, युद्ध के चित्र के अतिरिक्त मयूर, हिरण, तालाब, केले, खजूर वृक्ष के चित्र बनाए गए। बूंदी चित्रकला शैली सर्वाधिक पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला शैली है। सुरजनहाड़ा के समय इस चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ने लगा। 1692 ईस्वी में इस चित्रकला शैली में बसंत रागनी नामक चित्र बना। बूंदी के महलों में भित्ति चित्रण उत्कृष्ट हैं। इस चित्रकला शैली में पुरुषों की आकृति में लंबा कद, पतले गोलाकार ललाट, बड़ी मूछें, घुटने तक पारदर्शक जामा पहने हुए बताया गया है। नारी की आकृति में पतली कमर, लंबी पतली ठोड़ी, गोल मुंह, छोटी गर्दन, बादाम जैसे नेत्र बताए गए हैं। हमारा अगला टॉपिक है मारवाड़ चित्रकला शैली। राजस्थान में मारवाड़ चित्रकला शैली पर अजंता चित्रकला शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा। मारवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल राव मालदेव राठौड़ का काल कहलाता है। मारवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत ढोला मारू, मूमल, रूपमती व बाज बहादुर, सूर सागर, नाच चरित्र, कामसूत्र पर चित्र बने। मारवाड़ चित्रकला शैली में पीले रंग को प्रधानता दी गई है। इस चित्रकला शैली में आम के वृक्ष, ऊंट, घोड़े के चित्रों को प्रमुख रूप से प्रधानता दी गई है। मारवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत सबसे अधिक सुंदर चित्र महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में बने। मारवाड़ चित्रकला शैली में 1610 में भागवत पुराण से संबंधित चित्र बने। जब जोधपुर रियासत का मुगलों से संपर्क हुआ, उस समय मुगल चित्रकला शैली का भी यहाँ प्रभाव पड़ने लगा। इस चित्रकला शैली में पुरुष की आकृति व वेशभूषा के अंतर्गत हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े व ऊंट पर सवार बताया गया है। धनुष के समान आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, गठीला बदन, लंबा कद, ऊंची पगड़ी से युक्त बताया गया है। जबकि नारी की आकृति व वेशभूषा में काले लंबे लहराते बाल, पतली कमर, लंबे हाथ, बादाम के समान नेत्र, लहंगा व ओढ़नी पहने हुए बताई गई हैं। अगला हमारा पॉइंट है बीकानेर चित्रकला शैली। बीकानेर चित्रकला शैली पर मारवाड़ चित्रकला शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा। बीकानेर चित्रकला शैली के अंतर्गत बारहमासा, रागमाला, भागवत पुराण से संबंधित चित्र बनाए गए। पीले रंग को प्रधानता दी गई। इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का काल कहलाता है। इस चित्रकला शैली में पुरुषों की आकृति वीरतापूर्वक भाव प्रदर्शित करते हुए लंबी मूछें तथा घनी दाढ़ी से युक्त बताई गई हैं, जबकि नारी की आकृति वे वेशभूषा के अंतर्गत लंबा कद, मृग के समान नयन बताए गए हैं। इस चित्रकला शैली में तंग चोली, पारदर्शी ओढ़नी, घेरदार घाघरा पहने हुए स्त्री को बताया गया है। इस चित्रकला में सफ़ेद बादल, सारस, तोता, मोर का चित्रण किया गया है। बीकानेर चित्रकला में चित्रकार चित्र बनाकर चित्रों के नीचे अपना नाम लिख देते थे। हमारा अगला पॉइंट है कोटा चित्रकला शैली। इस चित्रकला शैली में बूंदी चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। कोटा चित्रकला शैली का स्वतंत्र रूप से विकास महाराजा राम सिंह के शासनकाल में हुआ। कोटा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल महाराजा उमेश सिंह का काल कहलाता है। इस चित्रकला में पीला, नीला, हल्का हरा रंग अत्यंत अधिक रूप से प्रयोग किया गया है। चित्रकला में आखेट के सर्वाधिक चित्र बने। हाथियों की लड़ाई, बारहमासा, शिकार, दरबार
का दृश्य के चित्र बने। इस चित्रकला में बड़ी बड़ी मूछें, उन्नत भौहें, हाथ में तलवार लिए हुए पुरुष को बताया गया है, जबकि नारी के चित्रण में गोल चेहरा, पतली कमर, छोटा कद, हिरण के समान आंखें, छोटी गर्दन बताई गई हैं। छात्रों, हमारा अगला पॉइंट है किशनगढ़ चित्रकला शैली। इस चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास महाराजा सामंत सिंह, जो कि नागरी दास के नाम से भी जाने जाते हैं, इनके समय हुआ। इस चित्रकला शैली में बणी छणी का प्रमुख चित्र है। इस चित्र को मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा सामंत सिंह के कहने पर बनाया गया। किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल सामंत सिंह का काल कहलाता है। इस चित्रकला शैली में सफ़ेद तथा गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। इस चित्रकला में गीत गोविंद, भागवत पुराण, बणी ठणी, चांदनी रात, केले के वृक्ष, राधा गोविंद अर्थात राधा कृष्ण के चित्र बने। इस चित्रकला शैली को प्रकाश में एरिक डिक्सन नाम के विद्वान ने इस चित्रकला शैली में बणी ठणी के चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। इस चित्रकला में नारी की आकृति वे वेशभूषा में पतली कमर, पतले होठ, लंबा कद, चोली, ओढ़नी से युक्त बताया गया है। पुरुष की आकृति के अंतर्गत लंबी बाहें, मादक नेत्र, सफ़ेद पगड़ी पहने हुए, कमर में पट्टा बांधे हुए बताया गया है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, सूरध्वज, लाडली दास, भंवरलाल थे। छात्रों, अगला हमारा पॉइंट है आमेर व जयपुर चित्रकला शैली। आमेर चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा। आमेर शैली में भागवत पुराण, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन धारण के चित्र बनाए गए। आमेर चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। जयपुर शैली में अर्जुन तथा कृष्ण का चित्र मुगल वेशभूषा से युक्त बताया गया। आमेर चित्रकला का स्वर्णकाल महाराजा मान सिंह प्रथम तथा जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का काल कहलाता है। इस चित्रकला में पुरुष गलमुच, ऊंची पगड़ी, ताम्रवर्ण से युक्त बताया गया है, जबकि स्त्रियां पतली कमर, विकसित यौवन वाली कमर तक बालों से युक्त बताई गई हैं। अगला हमारा पॉइंट है नाद्वारा चित्रकला शैली। नाद्वारा चित्रकला शैली का स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह प्रथम का काल कहलाता है। इस चित्रकला शैली में भगवान श्रीनाथ, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से भी जाने जाते हैं, हिंडोला, यमुना स्नान, जन्माष्टमी, अन्नकूट महोत्सव, गोपियों, माता यशोदा, राधा के चित्र बनाए गए। हरे वे पीले रंग का प्रयोग अधिक किया गया। इस प्रकार से राजस्थान की चित्रकला का विकास हुआ। छात्रों, आज हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। धन्यवाद।